कटनी में प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस सरकार ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, साथ ही कहा कि मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आप सभी लोगों के माध्यम से हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता तक ये बात और तेजी से फैलाना चाहते हैं कि प्रदेश में 50% दिए बिना, कमीशन दिए बिना कोई काम नहीं हो रहा और घोटालों से पूरी तरह समाहित हो चुकी प्रदेश। आने वाले समय में जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता भुखार देखेंगे और स्वच्छ और साफ हृदय के व्यक्ति माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई। कटनी के बारे में सुन लो, कटनी में 50% की सरकार नहीं, 50-50 लाख में थाने बिक रहे हैं, थाने की पोस्टिंग हो रही है। और ये जो गमछा पहन के थानेदार लोग आए हैं ना, ये अच्छे से समझ लें, हम इनकी पूरी हिस्ट्री निकालेंगे कि जब ज्वाइनिंग हुई थी तब कितना पैसा दर्ज बताया था आपने और इस 40 साल में 20 साल में कितना कमाया है ना। इसलिए न्याय करें और गलत कार्रवाई करेंगे तो इनको छोड़ेंगे नहीं। और सरकार तो आ रही है, कोई द्वेष भावना से नहीं, लेकिन कार्रवाई आप करना जानते हो तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हम सरकार में आएगी तो कराएंगे।